वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रोडक्शन। तो गाइस कैसे हो आप, सो उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिग बैस लीग 2022 के 9 T20 मैच के बारे में। दोस्तों ये मैच होने वाला है एडिलेड स्टैकर्स और सिडनी थंडर के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 20 दिसंबर को इंडिया टाइम के अनुसार 1:45 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी एडिलेड ओवल एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का गेम फॉर्म चेक करते हैं, लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। पहली टीम एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात करें तो 5 में से 4 मैच विन है, 1 मैच लॉस करके आ रही हुई। दूसरी टीम सिडनी थंडर की बात करें तो 5 में से 3 मैच लॉस है, 2 मैच विन करके आ रही है। तो ये रहे दोनों टीमों के टीम फॉर्म को अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे एडिलेड स्ट्राइकर आगे चल रही है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैचेस में। तो पहली टीम एडिलेड स्ट्राइकर की बात करें तो 4 मैच जीत के आ रही है, वहीं सिडनी थंडर 6 मैच जीत के आ रही है। तो ये रहे दोनों टीमों के हेड टू हेड। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेस में। तो ओवरऑल चेक करते हैं तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज चेक करें तो एडिलेड स्ट्राइकर का 80% है, तो वहीं सिडनी थंडर का 50% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो एडिलेड स्ट्राइकर का 161 है, तो वहीं सिडनी थंडर का 145 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो एडिलेड स्ट्राइकर का 188 है, तो वहीं सिडनी थंडर का 209 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो एडिलेड स्ट्राइकर का 130 है, तो वहीं सिडनी थंडर का 15 है। तो ये दोनों टीमों के टीम कंपेरिजन लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी। क्लियर रहेगी, 1.1 डिग्री सेल्सियस रहेगी। वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 47% रहेगी, वहीं 44% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब चलते हैं फ्रेंड्स पिच की ओर। इस पिच का एवरेज स्कोरिंग 162 है। जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग करना पसंद करेगी। इस पिच पे अभी तक टोटल 59 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पर बैटिंग को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, वहीं बॉलिंग को इस पिच पे स्ट्रगलिंग करनी पड़ सकती है। अगर अधिकतर मैच देखें इस पिच पे तो ज़्यादातर मैच इस पिच पे डिफेंड हुई है, काफ़ी अच्छा डिफेंड हुई है इस पिच पे मैच। जो भी टीम टॉस जीत के बैटिंग करती है तो उस टीम की यहाँ पर प्लस पॉइंट हो सकती है मैच जीतने के लिए। तो पिच काफ़ी अच्छी है, इस पर काफ़ी ज़बरदस्त मैच हुए हैं। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम एडिलेड स्ट्राइकर की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। वहीं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी टीम सिडनी थंडर की बात करें तो नो डाउट अच्छी टीम है, बट यहाँ पर सिडनी थंडर को अपना बैटिंग और बॉलिंग दोनों सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली मैच की रिकॉर्ड चेक है तो काफ़ी बुरी तरह मैच वो अपना हार के आ रही है। तो यहाँ पर गाइस इसके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम एडिलेड स्ट्राइकर है, तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी ज़बरदस्त होगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में आएंगे, वही बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम एडिलेड स्ट्राइकर के की प्लेयर की बात करें तो एडम होज, मैथ्यू शॉट, क्रिस लेन, राशिद खान। वहीं दूसरी टीम सिडनी थंडर के की प्लेयर की बात करें तो एलेक्स रोज, रिली रोशो, डैनियल सैम्स, क्रिस ग्रीन। ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर्स जो आज के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। अब चलते हैं फ्रेंड्स विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए सिडनी थंडर हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलना, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।